नाजरीन लिपस्टिक की मौजूदा शक्ल पहली मरतबा 131 बरस पहले मुतारिफ करवाया गया था। तब से लेकर अब तक लिपस्टिक ने न सिर्फ औरतों की जाहिर शक्ल को तब्दील किया बल्कि उनके माशरती किरदार पर भी बहुत असरअंदाज हुआ। ये कोई अहमियत नहीं रखती कि मुल्क गरीब हो या अमीर, दुनिया भर के हर मुल्क में खवातीन मेकअप में लिपस्टिक को खास अहमियत देती है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला मेकअप का आइटम है। 1883 में पहली मरतबा लिपस्टिक की मौजूदा शक्ल को हॉलैंड के शहर एम्स्टर में होने वाले एक आलमी नुमाइश में मुतारिफ करवाया गया था और फिर उसके एक साल बाद यानी सन 1884 में फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पहली मरतबा लिपस्टिक को मेकअप के एक अहम जुज के तौर पर कमर्शियल अंदाज में मुतारिफ करवाया गया। शुरुआत में इसको मशकूक नजरों से देखा गया और इसका इस्तेमाल सिर्फ थिएटर में अदाकाराएं, रुकस करने वाले औरतें और जिस्म परोश खवातीन करती थी। सन 1912 में अमेरिका के पेशनएबल खवातीन ने लिपस्टिक को कबूल कर लिया। इब्तिदा में लिपस्टिक न सिर्फ महंगी बल्कि एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी। अवामी सतह पर इसको पजीराई गुज़िश्ता सदी में खामोश फिल्मों के दौर में मिली। यूरोप में पेशनएबल खवातीन ने अमरीकी खवातीन की लिपस्टिक इस्तेमाल करने के 9 साल बाद इसे अपनाना शुरू किया। फिर सन 1981 एक ऐसा साल था जब उस वक्त तिजारती और सियासी मंजर पर बरतानिया हुकमरानी करता था। लंदन की खवातीन ने इसे पसंद करना शुरू किया और यही इसके आम मकबूलियत का बाइस बना क्योंकि 19वीं सदी में लंदन फैशन का एक घर समझा जाता था। जर्मन खवातीन में भी लिपस्टिक हालिया बरसों में मकबूल हुई। 2012 में 78% जर्मन औरतों ने लिपस्टिक या लिप ग्लॉस को इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह जर्मन खवातीन ने मेकअप की इस लाजमी जूस पर 64 मिलियन यूरो खर्च किए। लिपस्टिक इस्तेमाल करने वाले जर्मन खवातीन की ये तादाद 2011 के मुकाबले में 5.6% ज्यादा थी। नाजरीन हजारों साल पहले कदीमी मिस्र तहजीब में पराइन की मलकाएं भी होंठों पर सुख रंग का इस्तेमाल करती थी, उनमें कलोपित्रा भी शामिल है। उस वक्त सुर्ख रंग को छोटे छोटे डब्बियों में महफूज रखा जाता था और उंगली या फिर ब्रश के मदद से होंठों पर लगाया जाता था। उस वक्त यह अकीदा था कि होंठों पर रंग लगाने से शैतानी कुव्वती इंसान के जिस्म में नहीं घुस सकती। और फिर 16वीं सदी में इंग्लिस्तान में सफेद पाउडर से चेहरे को सफेद और सुर्ख रंग से होंठ को रंगना एक मारूफ फैशन था। आमतौर पर एक लिपस्टिक का 60% हिस्सा मोम और 30% हिस्सा मुख्तलिफ आयल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ खुशबुएं, रंग और कभी कभार सिलिकॉन भी इस्तेमाल किया जाता है। लिपस्टिक में इस्तेमाल होने वाला रंग कोकेनिल नामी छोटे छोटे कीड़ों से हासिल किया जाता है। मेक्सिको में पाए जाने वाले इन कीड़ों को खुश करके उनसे रंग बनाया जाता है और फिर उसको लिपस्टिक में इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।